तो दोस्तों इस वीडियो में मैं 7 टिप्स देने वाला हूँ जिसकी मदद से आप जान पाएंगे, जिसकी मदद से आप आइडेंटिटी कर पाएंगे कि कौन सी डेटा एंट्री जॉब वेबसाइट और कंपनी सही है और कौन सी फ्रॉड है। तो दोस्तों सबसे पहला तरीका यह है कि आप गूगल में जाएं और सर्च करें उस कंपनी का नाम और आगे टर्म्स यूज करनी है, रिव्यू, स्कैम्स और फ्रॉड, ये 3 लगा के यूज करो एक एक करके। और इसके बाद अगर किसी पर्सन के साथ, ऐसे व्यक्ति या ऐसे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हो चुका है तो ज़रूर रिव्यू डाला होगा और उस रिव्यू को पढ़ के आप जान पाएंगे कि वो कंपनी सही है या फ्रॉड है। अब दूसरा तरीका यह है कि अगर कोई कंपनी आपसे पैसे मांग रही है, कोई वेबसाइट आपसे पैसे मांग रही है जॉब देने के लिए, तो फिर आप उनको पे ना करें, वो कंपनी 100% फ्रॉड है। और जो तीसरा तरीका ये है, वो कंपनी ठगने के अलग अलग तरीके तैयार करती है, मतलब कि आपको समझना होगा कुछ, ये साइंस में इसीलिए दे रहा हूँ, तो इसको सबको टिप्स को आप दिमाग में रखें। सो तीसरा तरीका ये है कि आपसे पे ट्रेनिंग प्रोग्राम का नाम से आपसे पैसे ले लेते हैं कि हम आपको पे ट्रेनिंग दे रहे हैं, ट्रेनिंग इतने दिनों की होगी और आपको कुछ पैसे देने होंगे, इनमें खर्च होने वाले हैं, तो आपको वो पैसे नहीं देने, पैसे बिल्कुल भी नहीं देने, वो आपको एकदम फ्रॉड ही करें आपके साथ। जो चौथा साइंस है वो ये है कि एग्रीमेंट को आप चेक करें। अब बिना एग्रीमेंट को चेक करें आप बिल्कुल ही ऐसे जॉब नहीं ले सकते आप यार। अगर आप जॉब लेंगे तो वहाँ पे आप एग्रीमेंट में चेक करें कि एक्यूरेसी कितना क्या बताया गया है, एक्यूरेसी के बारे में जरूर जानें। और एक्यूरेसी अगर 85 से या 80 से बाहर है तो आपके कहीं ना कहीं आपके साथ फ्रॉड हो सकते हैं, क्योंकि मिस्टेक्स तो होती रहती है। तो अगर आप एक्यूरेसी 80-85 है तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। और उसमें ये भी चेक करें कि अगर एक्यूरेसी गलत, अगर आपकी सही नहीं हुई तो क्या आपको पे कर दिया जाएगा या फिर पूरा का पूरा पैसे नहीं मिलने वाला, या फिर आपके ऊपर वो कहीं ना कहीं केस ना कर दें, तो ये भी आप चेक करें एक्यूरेसी इस एग्रीमेंट में। जो पांचवा साइंस है वो है डोंट आस्क फॉर योर क्वालिफिकेशन। आपकी कितनी पढ़ाई है और डिग्री क्या है वो नहीं पूछ रहे तो फिर आपके साथ कहीं ना कहीं फ्रॉड होगा। और क्योंकि विदाउट प्रूफ आपको इतने, मतलब आप वो जॉब दे रहे हैं तो फिर आपको कहीं ना कहीं शक तो होना चाहिए वैसे भी। तो 6 नंबर वाला है साइंस वो ये है डोंट टेक इंटरव्यू। अगर आपका इंटरव्यू नहीं ले रहे वो लोग, मतलब वो जान ही नहीं पा रहे कि अगला कैंडिडेट जो अगला अपना एम्प्लॉय है वो उसके अंदर स्किल्स है भी या नहीं, तो फिर वो आपके साथ फ्रॉड ही तो करे। अगर कोई कंपनी जेन्युइन है, वेबसाइट जेन्युइन है, तो आपको ऑनलाइन इंटरव्यू कंडक्ट करवा सकती है, आपको ऑफलाइन इंटरव्यू कंडक्ट करवा सकती है, लेकिन कोई इंटरव्यू नहीं ले रहा है, मतलब अब मैं आपको जॉब दे रहा हूँ और मैं मुझे पता ही नहीं कि आपके अंदर स्किल्स है भी या नहीं, मेरा काम कर दोगे या नहीं कर दोगे, तो कहीं ना कहीं ये भी एक फेक साइंस है जिसकी मदद से आप जान पाएंगे कि कौन सी डेटा एंट्री जॉब वेबसाइट फ्रॉड है और कौन सी सही है, तो ये भी आप दिमाग में रखें। जो लास्ट एंड 7 टिप्स है वो ये है कि आपको अगर कम काम के लिए ज़्यादा पैसे दिए जा रहे हो तो समझ आना कि आपके साथ फ्रॉड होने वाला है। तो दोस्तों मैंने ये जो टिप्स हैं वो मैंने खुद तैयार किए, मैंने खुद आइडेंटिफाई किए हैं और कहीं ना कहीं ये टिप्स आपको हेल्प करेंगे एक डेटा एंट्री जॉब फ्रॉड है या नहीं ये चेक करने में। अगर इनमें से कुछ आपको लगता है कि कुछ छूट है, लेट मी टेल इन द कमेंट सेक्शन, ताकि लोगों को भी पता चल जाए। और इस वीडियो को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो जॉब सीकर हैं, जो जॉब ढूंढ रहे हैं। तो दोस्तों आई होप यू लाइक दिस वीडियो, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।